नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ आश्रम वेब सीरीज के बारे में, जिसे एमएक्स प्लेयर पर रिलीज किया गया है। ये टोटली फ्री है, इसके अंदर कोई भी आपको चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। टोटल इसके अंदर 9 एपिसोड है, और इन 9 एपिसोड को अगर मैं टाइम में कन्वर्ट करके बताऊं तो आपको अपनी जिंदगी के 7 घंटे इसके ऊपर बिताने पड़ेंगे। और अभी फिलहाल इसका सीजन 1 का पार्ट 1 रिलीज हुआ है, और इसका सीजन 1 का पार्ट 2 थोड़े टाइम बाद आएगा। बट मैं ये कह सकता हूँ कि ये चाहते तो इन्हीं 9 एपिसोड के अंदर, यानी सीजन 1 के पार्ट 1 के अंदर ही पूरी सीरीज खत्म कर सकते थे। इसे डायरेक्ट के प्रकाश झा ने, इसके अंदर कास्ट है बॉबी देओल, अदिति सुधीर, पोंखर, चंदन रॉय सान्याल, विक्रम कोचर, दर्शन कुमार और बाकी नए कलाकार। अब इसकी कहानी पर जाने से पहले मैं इसमें जो परफॉर्मेंस है और जो इसकी साउंड क्वालिटी है उसके बारे में बात करना चाहूंगा। सबसे पहले अगर मैं बॉबी देओल को अगर साइड में हटा दूं, मतलब कि उनको छोड़ के जिन्होंने अपना किरदार बहुत ज्यादा ईमानदारी से निभाया है, मैं उनको अगर साइड में करूं और बाकी नए कलाकारों की अगर बात करूं, तो मैं यही कहूंगा कि यार उन्होंने उतने एक्टिव नहीं लगे जितने उन्हें होना चाहिए था। और एक तरीके से कहीं ना कहीं उनमें एक बनावटीपन हमें झलकता है। विक्रम कोचर जो काफी अच्छे कलाकार हैं, जिनकी अच्छी एक्टिंग होती है, बट उनको तो कुछ लाइन बोलने के लिए भी नहीं मिली। और अब इसकी साउंड क्वालिटी की बात करूं, और जो इसके अंदर जो लैंग्वेज यूज की गई है, यानी उत्तर प्रदेश की जो एक लैंग्वेज है वहां ये जो यूज की गई है, मैं कहूंगा कि बहुत ज्यादा वीक है। इसकी साउंड क्वालिटी बहुत वीक है, और जो इसकी लैंग्वेज के ऊपर काम किया गया है वो भी बहुत ज्यादा वीक है। मुझे लगता है इसके ऊपर और ज्यादा काम करने की जरूरत थी। अब इसकी कहानी पर आते हैं। काशीपुर वाले बाबा, जो एक निराला नाम से जाना जाते हैं, निराला बाबा जो कहा जाता है इस सीरीज के अंदर कहा गया है, जो लोगों को झूठ बोलकर उनका शोषण कर रहे हैं, लड़कियों के साथ गलत बर्ताव कर रहे हैं, एक तरीके से ये पाखंड दिखाने की इन्होंने कोशिश की है। जब मैंने ये सीरीज देखनी शुरू की थी तो इसके अंदर एक डिस्क्लेमर आता है कि ये किसी भी जाति या किसी भी समुदाय को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते, ये एक फिक्शनल स्टोरी है। और फिर जब मध्य में जाते हैं इस सीरीज के, हाफ में, मिडल में जाते हैं, तो एक ये मैसेज हमें कन्वे करते हैं कि जो हमारी महान संस्कृति है, जो हमारे महान गुरु हैं, उनको बदनाम करने के लिए कुछ लोग पाखंडी जो बाबा हैं वो बनकर आ गए और लोगों का शोषण कर रहे हैं, जो हमारे महान गुरु, महान धर्म, संस्कृति, उसको बदनाम कर रहे हैं। ओके, आई एम टोटली एग्री विद यू कि भाई तुम लोग जो है वो हमारी महान संस्कृति, महान गुरु को बचाना चाहते हो, इसलिए तुम वो पाखंड का पर्दाफाश करना चाहते हो। ओके, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट एक सवाल जो बार बार मेरे दिमाग में आ रहा था कि तुम लोग कौन से महान गुरु और महान संस्कृति की बात करते हो, क्योंकि मैंने आज तक कभी बॉलीवुड की मूवी में या सीरीज में उस महान गुरु या महान संस्कृति को तो कभी देखा ही नहीं। तुम लोगों ने ये पाखंड नाम का अजीब सा ट्रेंड चला रखा है, और इस पाखंड का पर्दाफाश करने के पीछे तुम इसी संस्कृति को बदनाम करते चले जाते हो। क्योंकि कोई भी मीडिया हाउसेस या बॉलीवुड की मूवी हमारे भारतीय कल्चर को, हमारे भारतीय धर्म को कभी भी ये प्रमोट नहीं करेंगे, कभी बताएंगे भी नहीं इसके बारे में, पर कभी भी ये इसकी पॉजिटिव साइड कभी नहीं दिखाएंगे। अब ये लोग इस तरीके की सीरीज या मूवी बनाकर क्या सचेत करना चाहते हैं? यही सचेत करना चाहते हो कि एक पर्टिकुलर रिलीजन के अंदर कितना अंधविश्वास है। ओके, तुम्हें अंधविश्वास दिखाना है, दिखाओ, लेकिन बाकी रिलीजन क्या है? और जब बाकी रिलीजन की बात करते हैं तो तुम जैसे लोग शुतुरमुर्ग की तरह धरती में अपना मुंह दबाकर बैठ जाते हो, तब तुम्हारा वो सेक्युलरिज्म कहां चला जाता है? तब तुम कहां चले जाते हो और बाकी रिलीजन के बारे में बात करने में? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि और बाकी रिलीजन के बारे में बात करो, बट एक पर्टिकुलर रिलीजन को टारगेट करना यार एटलीस्ट ये तो बंद करो। कितनी सारी मूवीज या सीरीज देख ली सिर्फ और सिर्फ इस एक एजेंडे को, यानी फेक गुरु के नाम से लेके ये चलाए जा रहे हैं। जैसे कि पीके मैंने मूवी देखी, या फिर ओ माय गॉड, या अभी हाल फिलहाल में सबसे वाहियात मूवी सड़क 2 देखी, और अब ये वाली सीरीज देखी आश्रम। इसके अंदर एक ही कॉन्सेप्ट चलता है, फेक गुरु। उनको और कुछ नहीं मिलेगा तो ये फेक गुरु का एक कॉन्सेप्ट लेके हमारे सामने चले आते हैं। और भारत की वो महान जनता जो इस फेक गुरु के कॉन्सेप्ट को लेकर, या जो भारत की जो संस्कृति को बदनाम करने के लिए जो भी प्रोपोगेंडा चलाते हैं, उस चीज को सच मानकर अपने ही कल्चर से दूर हो जाते हैं। वैसे दरअसल मैं मुझे एक चीज लगती है कि भारतीय सिस्टम की, भारतीय एजुकेशन सिस्टम की सबसे बड़ी खामी है कि उन्होंने आज तक कभी किसी को हमारे देश में भारतीय कल्चर की वैल्यू सिखाई नहीं। तब तक वो वैल्यू नहीं सीखेंगे तब तक कैसे जानेंगे कि भारतीय कल्चर कैसा है। और इन जैसे लोग अपने इस चीज का फायदा उठाते हैं और वो अपना एक प्रोपोगेंडा चलाते हैं, कहते हैं कि भारतीय कल्चर तो कैसा है, इसमें अंधविश्वास है। कमाल की जनता है यार। इस सीरीज में एक दलित समुदाय के प्रति भी इसमें एक कॉन्सेप्ट दिखाया गया है कि काफी अच्छा लगा कि मुझे, हाँ, कि भी दलित को लेकर इन्होंने एक जात पात के भेदभाव को इन्होंने हाईलाइट करने की कोशिश की है। बट एक चीज मुझे यहां पर थोड़ी सी ये लगी कि इन्होंने हाईलाइट के साथ साथ इसको भड़काने की भी कोशिश की है। मैं जानता हूं कि हमारे देश में ग्राउंड लेवल पे मैंने भी खुद देखा हुआ है कि दलित या जो जात पात है उसके उसके ऊपर भेदभाव होता है। खुद मैंने ये चीज देखी हुई है। और जब मुझे लगता है कि जब तक ये जात पात जो इंसानों ने खुद बनाया हुआ है अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग, जब तक वो नहीं हटेगा, हमारा देश उस प्रगति की स्पीड को पकड़ नहीं पाएगा जिसे इसे होना चाहिए। खैर, मेरी तरफ से इस सीरीज को मैं देना चाहूंगा 4 out of 10 स्टार। अगर किसी ने ये सीरीज देखी है तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताना कि आप लोगों को ये सीरीज कैसी लगी। अगर नहीं देखी तो रिव्यू आपके सामने, और अपने दिमाग का खुद यूज करिए, देखनी है या नहीं देखनी है। बस आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।